हनुमत मंदिर आ गया, मन में था उल्लास। इसी जगह करना उन्हें रात्रि वास प्रवास। दोनों कमरे में गए, लिया साईं का नाम। थका मुसाफिर चाहता थोड़ा सा आराम। दरी बिछा दी फर्श पर श्यामा ने तत्काल। इंतजाम पूरा किया, तकिया बिस्तर डाल। बातें वे करने लगे, बीता थोड़ा काल। लेकिन वे ना जानते वक्र ग्रहों की चाल। आसमान पर रात का छाया आंचल स्याह। जगमग तारे हैं मगर दिखे न पूरी राह। कमरे में दीपक धरा मध्यम उसकी ज्योत। मुश्किल से कुछ दिखता ऐसा वहाँ उद्योत। मिलकर आधे लेट कर देख रहे अखबार। समाचार में लीन वे होते बारंबार। साईं के आशीष से खत्म ना होता तेल। आगे देखो क्या रचे यह कुदरत का खेल। कमरे में था तम घना चाहे जले चिराग। मार कुंडली तान फन बैठा था इक नाग। कोने से आगे बढ़ा चलकर मंथर चाल। सर का मिरकर की तरफ संकट एक विशाल। रेंगा वह अखबार पर सुर सुर की आवाज। पसरी थी धोती वहाँ उस पर गया विराज। खबर जगत की पढ़ रहे खुद का नहीं ख्याल। आधे लेटे थे पड़े निकट काल का जाल। मिलकर तो निश्चिंत थे शंका का क्या काम। कौन जानता आए कब मृत्यु का पैगाम। अंदर विषधर है बड़ा बाहर पहरेदार। फूक फूक रखना कदम संकट रूप हजार। सुनकर सुर सुर की ध्वनि खड़े हो गए कान। भाप गया वह अर्दली सांप चाप पहचान। दीप उठाकर हाथ में देखा चारों ओर। चमक उठा फण नाग का कांपा तन का पौर।